हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विंडोज 11 को कैसे डाउनलोड करें, फिर हम लोग जानेंगे कि विंडोज 11 को पेनड्राइव में कैसे बूटेबल बनाएं। तो वीडियो को कम्प्लीट देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे HTTP चैनल में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो YouTube पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी विंडोज 11 को कैसे डाउनलोड करें, बट मेरा जो आज का वीडियो होने वाला है और YouTube पे जो पहले से वीडियो डाला हुआ है, दोनों का वीडियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो बहुत सारे यूट्यूबर ने क्या किए हैं, वीडियो को बना तो लिया है, उन्होंने अच्छे से बनाया भी है और बताया भी है, बट बताने का जो तरीका था उनका, बहुत सारे यूट्यूबर क्या किए हैं, बहुत लोगों का वीडियो मैंने देखा है कि उन्होंने शॉर्ट वीडियो में बनाया, और जो आपको मेरा जो वीडियो मिलने वाला है वो थोड़ा आपको लॉन्ग वीडियो मिलने वाला है। तो लॉन्ग वीडियो क्यों मिलने वाला है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, तो बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो में तो विंडोज 11 को डाउनलोड करना सिखाया है। जब हम लोग विंडोज 11 को बूटेबल करते हैं पेनड्राइव में, तो उस समय जो स्टेप होते हैं, बहुत सारे स्टेप खा गए हैं। स्टेप को क्या खाए हैं, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे आपको GPT और MBR का डिफरेंस नहीं बताया है, फिर आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताया गया है कि GPT बेस्ट है या MBR बेस्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ वहाँ पे अच्छे से नहीं बताया गया है। और फिर मेरा लैपटॉप अगर GPT मोड है या MBR है उसको कैसे चेक करेंगे, ये सारी जानकारी बहुत सारे यूट्यूबर ने अपने वीडियो में नहीं दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, हम लोगों का जो GPT वेस्ट है या MBR वेस्ट है, फिर हम लोग चेक कैसे करेंगे कि मेरा PC जो है MBR में है या GPT मोड में है, तो ये चीज़ का डिफरेंस मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ मैंने बताया है A to Z। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर हमारा HTTP चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको नई टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चैनल पे तो आते हैं, वीडियो भी देख के चले जाते हैं, तो वीडियो ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आप उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम लोगों का मोटिवेट जो जगता है इसी वीडियो से जगता है। मैं आप लोगों को बता दूं तो वीडियो पे अगर ना लाइक मिले ना चैनल पे सब्सक्राइब मिलेगी, तो हम लोगों को अंदर से मोटिवेट नहीं आएगा, फिर हम लोग आगे चल के वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाते हैं वहाँ पे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ो। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया है YouTube पे। गाइस वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम पे। अब आपको क्या करना है, सर्च बार में टाइप करना है Get into PC। Get into PC के बारे में मैं बता दूं तो Get into PC जो है एक बेस्ट वेबसाइट है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को लेटेस्ट वर्जन मिलते हैं या नहीं। तो अब आपको क्या करना है, टाइप करना है Get into PC। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ Get into PC, टाइप करके और इंटरप्रेस कर देना है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुला है। अब आपको पहले वाले लिंक पे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इसके अंदर एंट्री करना है। जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने Get into PC का जो वेबसाइट है वो खुल चुका है, और इस वेबसाइट के अंदर आपको जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे फ्री में डाउनलोड होते हैं और बिल्कुल भी ओरिजिनल होते हैं। यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वर्जन भी डाला हुआ रहता है, बट इसमें ओरिजिनल फाइल भी डाला रहता है, वो आपको पहचान के डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगे तो वो आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी सॉफ्टवेयर है 2021 यह सब, मतलब अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है लॉन्च किए हुए थे, तो ये सब है। हम लोगों को डाउनलोड करना है विंडोज 11, तो हम लोग यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे विंडोज 11। तो आपको टाइप करना है विंडोज 11 टाइप करके और इंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि विंडोज 11 का यहाँ पे 5779 यहाँ पे मेरे सामने फाइल खुल के आ चुके हैं। अब आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा ये विंडोज 11 का ओरिजिनल फाइल होगा। तो आप लोगों को इतना तो आइडिया ही होगा कि विंडोज 11 अभी आया हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी एक से डेढ़ महीने ही हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए,
तो जो भी मेरा विंडोज 11 का फाइल होगा वो जो शुरू का होगा वही होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि विंडोज 11 जब हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ हमको ऑफिस 2019 का जो ऑफिस होगा ये प्रो प्लस इसके साथ फ्री में डाउनलोड होगा। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे पहले वाले लिंक पे, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना पूरा ओवरव्यू पढ़ लेना विंडोज 11 का। देख सकते हो कि मेरे सामने ये सब इंटरफेस आ चुका है। तो विंडोज 11 का जब हम लोग इंस्टॉलिंग प्रोसेस करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी विंडोज हम लोग इंस्टॉलिंग करते हैं तो उस समय जो फर्स्ट इंटरफेस आता है वही यही इंटरफेस आता है। तो विंडोज 11 का यही इंटरफेस है, बट इसका आइकन देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया है विंडोज 11 का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। विंडोज 11 पे आपको इंस्टॉलिंग वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं इंस्टॉलिंग वीडियो भी डाल दूंगा। तो चलिए अभी हम लोगों को विंडोज 11 डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ये जो आप लोगों को इमेज जो दिख रहा है यही विंडोज 11 का फ्रंट इमेज होगा। तो देख सकते हो कि काफ़ी सुंदर बनाया है, जो हम लोगों का स्टार्ट मेनू जो होता था विंडोज 10 में यहाँ पे इधर साइड में होता है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में होता है, और यहाँ पे आपको बीच में मतलब सेंटर में मिलते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे कुछ डिफरेंट किया गया है, और विंडोज 11 फास्ट भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा फुल सेटअप साइज है 7.6 GB का है, तो थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा ज्यादा जीबी का है। बहुत सारे लोगों के पास वाईफाई का कनेक्शन होगा घर में, तो वो लोग वाईफाई होगा तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ दोस्तों के पास वाईफाई नहीं होंगे तो वो लोग, अगर आप लोगों के पास जियो का सिम है या एयरटेल हो तो कोई भी आप रिचार्ज एक लोकल रिचार्ज करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास 7.6 GB का यहाँ पे फुल सेटअप साइज है, और 64 बिट में हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो ये सब हो गया, हम लोगों को डाउनलोड करना है तो नीचे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे पढ़ लेना कि रैम कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना चाहिए, और प्रोसेसर मेरा क्या होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डाउनलोड फुल सेटअप पे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ चुका है, और नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से देख सकते हो कि 7.6 GB का फाइल जो था ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड जो है या तो रात में करो या तो सुबह मॉर्निंग टाइम में आप, तो मॉर्निंग टाइम में स्पीड जो होता है अच्छे खासे होते हैं, और किन्हीं के पास जो मतलब वाईफाई है तो वाईफाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि विंडोज 11 को पेन ड्राइव में कैसे बूटेबल करेंगे। तो चलिए मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रख चुका हूँ, तो मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ, यहाँ पे पॉज करके इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम लोग विंडोज 11 को कैसे पेन ड्राइव में बूटेबल बनाएंगे, तो अब उसके बारे में आगे देखते हैं। तो बूटेबल बनाने के लिए हम लोगों को दो रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हम लोगों को पेन ड्राइव, और दूसरा रिक्वायरमेंट है। तो पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर का यूज पड़ेगा, तो उस सॉफ्टवेयर को चलिए हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो है ज़्यादा MB का नहीं है, वो सॉफ्टवेयर आपको 1 से 2 MB का मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है रिफ्यूज। तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल क्रोम फिर से ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे फुल साइज कर लेता हूँ, सर्च बार में टाइप करना है रिफ्यूज डाउनलोड। तो यहाँ पे रिफ्यूज आपको टाइप कर लेना है, और रिफ्यूज डाउनलोड टाइप करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फर्स्ट जो ऑप्शन दे रहा है रिफ्यूज क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इसके अंदर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ चुका है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड यहाँ पे लिख रहा है, रिफ्यूज यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे को यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, जो कि 2 MB से भी कम है फाइल। तो देख सकते हो कि मेरा कितना छोटा फाइल है। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि जो आपने विंडोज 11 और रिफ्यूज जो डाउनलोड किया था आपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए, आपको एक फाइल बना के डेस्कटॉप पे उन दोनों को यहाँ पे रख लेना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनाना है उस पेन ड्राइव को आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि मेरे सामने मेरा पेन ड्राइव आ चुका है। अब रिफ्यूज को यहाँ पे हम लोगों को ओपन करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों से कुछ अलाउ पूछेगा, तो यहाँ पे यस करेंगे। यस जैसे ही करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ चुका है। फर्स्ट जो दिख रहा है,
तो यहाँ पे आप जो भी पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाओगे तो यहाँ पे आपका पेन ड्राइव का नाम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बूट सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोगों ने विंडोज जो डाउनलोड किया था वो आईसो फाइल में डाउनलोड हुआ था। आप कोई भी विंडो डाउनलोड करो, विंडोज 7, 8, 8.1, 11 हम लोग कोई भी डाउनलोड करोगे तो आपको जो भी विंडोज का फाइल होगा वो आईसो फाइल में डाउनलोड होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आईसो फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपने विंडोज 11 का जो फाइल रखा था तो हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, अभी तो मेरे सामने ऑप्शन भी आ रहा, तो मैं आप लोगों को एक बार लेके भी, तो आपको जहाँ पे भी आपने रखा था वहाँ पे चले जाना। तो मैंने डेस्कटॉप पे फाइल बना के रखा है, तो डेस्कटॉप पे जाएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फाइल में आ चुका है कि विंडोज 11 आईसो फाइल। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यही फाइल जो है विंडोज 11 का है। तो फिर इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो कि मेरे सामने बूट सिलेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका है। और इमेज ऑप्शन में जो यहाँ पे देख रहा है स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन, इसको एज इट इज जैसा है उसी तरह छोड़ देंगे। फिर हम लोग यहाँ पार्टीशन सिक मी, सबसे मेन जो आता है यहाँ पे, अगर आपका लैपटॉप जीपीटी मोड में पार्टीशन हुआ है तो आपको तो पेन ड्राइव आपको बूटेबल जीपीटी मोड में करना होगा। अगर आपका एमबीआर में है तो यहाँ पे आपको एमबीआर सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि जीपीटी और एमबीआर का मतलब क्या होता है। तो जीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गाइड पार्टीशन टेबल, और जो हम लोगों का MBR का फुल फॉर्म होता है वो होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो आप सिंपल भाषा में जान लो कि GPT हम लोग कहाँ यूज करते हैं और MBR कहाँ यूज करते हैं। तो GPT जो है ये हम लोग के जमाने का है और MBR जो है वो आतंक के जमाने का है। आतंक के जमाने का मतलब समझ गए होंगे, जो आपके दादा परदादा होंगे उन लोगों के जमाने का है। तो आज से 20 से 25 साल पहले जाओगे तो जो भी हम लोगों का जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो आते थे वो सब हम लोगों के MBR में आते थे। तो GPT में फायदे क्या है कि GPT में आप कोई भी पार्टीशन करोगे तो 100 प्लस पार्टीशन कर सकते हो GPT मोड में। और फिर हम लोगों का MBR में होगा पार्टीशन, वो MBR में 3 से ज्यादा पार्टीशन नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों को पार्टीशन का मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी आप हार्ड डिस्क मार्केट में खरीदते हो, चाहे वो आपका 250 GB का हो, चाहे वो आपका 500, 1000, 2 TB, 4 TB, 10 TB, जितना भी आपको खरीदना हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप जब विंडोज चलाते हैं तो उस समय वो पार्टीशन करते हैं, विंडोज सी, विंडोज डी, विंडोज ई, जो अलग अलग नाम देते हैं, वही चीज वहां पे होता है कि पार्टीशन आप कर सकते हो। तो MBR में आप 3 से ज्यादा पार्टीशन नहीं कर सकते हो, और वही GPT मोड में आप 100 प्लस उसमें पार्टीशन कर सकते हो। और एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि MBR में आप 2 TB से ज्यादा आपका MBR सपोर्ट नहीं लेता है, GPT में आपका 2 TB, 4 TB, 10 TB, 15 TB, 16 TB आपका मतलब सपोर्ट ले लेता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि GPT और MBR में जमीन और आसमान का फर्क है। लोगों को डिफरेंस से ही पता चल गया हो कि कौन सा बेटर है, तो GPT सबसे बेटर है। तो अब बात आती है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोगों का लैपटॉप जो है ये GPT मोड में है या MBR में। तो अब आपको क्या करना है मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। और मैं एक और बड़ा डिफरेंस बताता हूं कि जो हम लोगों का हार्ड डिस्क जो आता है वो MBR में पार्टीशन होता है, और जो हम लोगों का विंडोज जो होता है वो GPT में, और जो हम लोगों का विंडोज जो होता है वो GPT, अब बात मैं आप लोगों को एक बड़ा सा फैक्ट बताना चाहता हूं फैक्ट यह है कि जो हम लोग हार्ड डिस्क जो लेते हैं वो हम लोग MBR में उसको पार्टीशन करते हैं। MBR का, अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आए, तो MBR में हम लोग पार्टीशन, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो हम लोग हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हैं तो MB के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग MBR में पार्टीशन करते हैं, और वही चीज हम लोग विंडो में जो पार्टीशन करते हैं वो विंडोज को जो मतलब विंडोज को जब हम लोग पार्टीशन करते हैं तो वो GPT मोड में करते हैं। तो अभी आप लोगों को दोनों मैं लाइव दिखाऊंगा कि हम लोग दोनों कैसे करते हैं, जो हम लोगों का हार्ड डिस्क जो है वो MBR में है या GPT में है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं अभी आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि मेरा विंडोज जो है वो GPT में है पार्टीशन हुआ कि वो MBR में है। तो चलिए मैं आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से हाइड कर लेना है इन दोनों को, हाइड करके अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आपको रन टाइप कर लेना है। यहाँ पे रन टाइप करके भी जा सकते हो और इसका शॉर्टकट की भी आप अपना सकते हो। तो विंडोज प्लस R को टाइप करोगे
आप रन भी लिख के टाइप करोगे तो ये चीज खुलेगा, और विंडोज प्लस आर को भी प्रेस करोगे तो ये चीज खुलेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, CMD टाइप करना है, कमांड आपको अपना खोल लेना है, तो कमांड CMD ओपन करना है और इंटर प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है डिस्क पार्ट, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ डिस्क पार्ट टाइप करके और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों से कुछ अलाउ मांगेगा, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, फिर से मेरे सामने एक नया कमांड ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है लिस्ट डिस्क, तो लिस्ट डिस्क टाइप करके और फिर से आपको इंटर यूज कर लेना है, लिस्ट के बाद स्पेस दे देना और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे इंटर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा यहाँ पे डिस्क का जो पार्टीशन हुआ है, मेरा दो ही में पार्टीशन हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो कि मेरा GPT मोड में है। तो ये जो मेरा डिस्क जो पार्ट है, मतलब विंडोज का जो डिस्क पार्ट हुआ, ये मेरा GPT मोड में हुआ, को भी ऐसे ही चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे MBR लिखा हुआ तो आप MBR वहाँ पे सिलेक्ट करना, अगर मेरा GPT लिखा हुआ है तो मैं वहाँ पे GPT सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि मेरा हार्ड डिस्क जो है वो MBR में है या GPT में है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, दिस PC पे क्लिक करना है और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैनेज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैनेज पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ डिस्क मैनेजमेंट जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, इस पे इसके अंदर चले जाना है, और यहाँ पे मेरा डिस्क 0 यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को भी सेम ऐसा ही इंटरफेस आएगा। डिस्क 0 पे जाके और आप लोगों को राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके और फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम जो लिखा हुआ है इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। वॉल्यूम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो देख सकते हो मेरा हार्ड डिस्क जो है पार्टीशन स्टाइल यहाँ पे मास्टर बूट रिकॉर्ड मतलब MBR में, तो मेरा जो हार्ड डिस्क जो है वो MBR में पार्टीशन हुआ है। तो ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जो मेरा हार्ड डिस्क जो है ये MBR में पार्टीशन हुआ है और मेरा जो विंडोज जो है वो GPT में पार्टीशन हुआ है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को मुझे बताना था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरा बताया है। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे ओके कर देना है, यहाँ पे आपको कट कर देना है, फिर आपको क्या करना है, जो आपने हाइड किया था उसको ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ रिफ्यूज, यहाँ पे मेरा रिफ्यूज ओपन हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि पार्टीशन सिकमी में GPT है या MBR, वो हम लोगों ने जाना कि GPT हम लोग कैसे चेक करेंगे कि मेरा MBR है। आप लोगों को जो हार्ड डिस्क का मैंने MBR और GPT का डिफरेंस बताया, तो हार्ड डिस्क से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे विंडोज डालना है। तो विंडोज का हम लोग जानेंगे कि GPT है या MBR में, तो विंडोज में हम लोग कैसे चेक किए थे, तो हम लोग कमांड बार में जाके टाइप किए थे और वहां से हम लोगों ने चेक किया कि ये मेरा GPT है या MBR है। तो मेरा GPT आप लोगों ने देखा था, जो मेरा विंडोज था वो मेरा GPT मोड में था, तो यहाँ पे हम लोगों ने GPT सेलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप लोगों को GPT सेलेक्ट करना है, टारगेट सिस्टम जो UEFI है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे फाइल सिस्टम जो आप लोगों को लिखा हुआ है फिर इस पे क्लिक करके और आपको NTFS पे क्लिक कर देना है, NTFS में क्लिक कर देना है, और क्लस्टर साइज जो यहाँ पे है डिफॉल्ट जो है इसी तरह छोड़ देना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्मेट और क्रिएट एक्सटेंड लेवल एंड आइकन फाइल। तो ये बोला है कि आपका जो पेन ड्राइव आपने जो लगाया है उस पेन ड्राइव में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका इम्पोर्टेंट है तो उसको आप हटा लो, क्योंकि ये जब आप बूटेबल बनाएंगे विंडोज 11 को तो उस पेन ड्राइव में जितने भी आपके डाटा होंगे वो सारा हटा के और तब बूटेबल बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मैसेज के रूप में यहाँ पे दिया है, और इन्होंने सेकंड लाइन का मैं मतलब समझा दूँ तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि एक आपका क्रिएट जो मतलब जो आइकन फाइल होगा विंडोज 11 का वहाँ पे आप लोगों को क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब आप लोगों को सिंपल क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों से कुछ यहाँ पे वार्निंग मांगेगा कि, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वार्निंग के रूप में हम लोगों को दे चुका है कि जितने भी डाटा होंगे आपके पेन ड्राइव में वो सारे हट जाएंगे। तो ये चीज हो जाता है, हम लोग मुझे कोई मेरा पेन ड्राइव में कोई फाइल नहीं है तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे में देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन का जो ये लाइनिंग आ रहा है ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए आप लोग। तो ये जो है आप लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोसेसर i3 है तो थोड़ा स्लो करेगा, i5 है तो थोड़ा अच्छा काम करेगा, फिर i7 होगा तो उससे ज़्यादा, i11 होगा तो उससे ज़्यादा। तो मेरा i5 है तो मेरा i5 में भी हम लोगों का ये जो प्रोसेस कंप्लीट होने का जो है ये प्रोसेस आपको कम से कम 10 से 15 मिनट मेरा लगा था, आप लोगों को हो सकता है कि 15 मिनट से ज़्यादा लग जाए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ये जितने भी ग्रीन लाइन है आपको पूरा कंप्लीट होने देना है, चाहे वो मेरा 10 से 15 मिनट हो या 20 मिनट भी ले ले तो चलेगा।
तो आपको यहाँ पे पूरा ग्रीन लाइन यहाँ पे कर देना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट मोड में कर देता हूँ, आप लोगों को मैं आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग फाइनली देख सकते हो कि मेरे सामने जो पेन ड्राइव जो है मेरा बूटेबल हो चुका है। ये लगभग आपको 10 से 20 मिनट टाइम लगे हैं, तो आप लोगों को भी इतना देर वेट करना होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया नोटिस दिया है उसको क्लोज कर लेना है, और यहाँ पे आप लोगों को इसको भी क्लोज कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको विंडोज 11 को इंस्टॉलिंग करने का अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कमेंट्स ज्यादा आएंगे विंडोज 11 को इंस्टॉलिंग करने के लिए तो मैं इस पे और का आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स में। दोस्तों अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, आप लोग ख्याल रखें अपने और अपने परिवार का, इस महामारी से बचे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग बचने की कोशिश करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोग।